हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च, नमः काल अग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म श्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। दोस्तों, शनिवार का दिन और शनि श्री अमावस्या का महासंयोग शिव योग में आई है विशेष अमावस्या। और कहा जाता है यदि किसी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह बुरी स्थिति में हो, हानिकारक हो रहा हो, तो ग्रह दोष माना जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन हानि हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, शत्रु हो, कलह हो, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ज्योतिष में क्या है, ग्रह दोषों को ठीक करने का उपाय बताया गया है। विशेष रूप से शनिवार का दिन है और शनि अमावस्या की तिथि है, तो आज हम बात करेंगे सरसों के तेल के छोटे छोटे उपाय की, जिनको करके आप ग्रह दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। शनिवार का दिन है, शनिवार को किए गए कार्यों का प्रभाव स्थायी होता है और लंबे समय तक उनका लाभ मिलता रहता है। ज्योतिष में भूमि खरीदना, सोना खरीदना, चांदी खरीदना, नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी शनिवार का दिन बताया गया है। शनिवार को किए जाने वाले उपाय रातों रात आपकी लाइफ बदल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि शनिवार के साथ अमावस्या तिथि भी आई है और किसी भी माह में शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। यह पितृ कार्येषु अमावस्या के रूप में भी जानी जाती है। काल सर्प हो, ढैया हो, साढ़े साथी सहित शनि संबंधी जितनी बाधाएं होती है उनसे मुक्ति पाने हेतु शनि अमावस्या दुर्लभ दिन माना गया है। शनि परमात्मा के जगत आधार स्वरूप कच्छप का गृह अवतार और कुर्मावतार भी कहे गए हैं। शनि समस्त ग्रहों के मुख्य नियंत्रक हैं और उन्हें ग्रहों के न्यायाधीश मंडल का प्रधान न्यायाधीश कहा गया है। कर्मफल दाता कहे गए हैं शनि देव, और शनि के निर्णय के अनुसार ही सभी ग्रह मनुष्य को शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। न्यायाधीश होने के नाते शनि किसी को भी अपनी झोली से कुछ नहीं देते, मात्र कर्मों के आधार पर ही जीव को फल देते हैं, और इसीलिए कर्म फलदाता शनि देव कहे गए हैं। शनेश्वरी अमावस्या के दिन पितृ श्राद्ध, पितृ के निमित्त कार्य भी करना चाहिए। कुछ करें ना करें, एक रोट आज जो भी भोजन बनाएंगे उसमें से थोड़ा सा सात्विक भोजन दक्षिणमुखी होकर के अपने पितृ का नाम का अवश्य निकालें। और किसी भी गरीब को आपको भोजन दान करना चाहिए, गौ माता को खिला सकते, कौवे आदि को दे सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है उन्हें इस दिन दान इत्यादि कर्म करने चाहिए। यदि पितृ का प्रकोप ना हो तो भी इस दिन किया गया श्राद्ध आने वाले समय में आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। शनि अमावस्या के दिन पूजन करना, स्नान करना, उपाय करना, उपवास करना और पितृगण के साथ साथ ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि और समस्त भूत प्राणियों को भी तृप्ति मिलती है। इसलिए कुछ करें ना करें, दक्षिणमुखी हो करके आज एक लोटा जल अपने पितृ के नाम का अवश्य देना चाहिए। इससे पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। संतानहीनता का योग अगर है तो उससे छुटकारा मिलता है, राहु दोष से छुटकारा मिलता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग के लिए पॉसिबल है धूप देना तो दक्षिणमुखी हो जाइए और दक्षिण दिशा में आज के दिन थोड़े से गोबर के कंडे जला के जो भी भोग आप बनाएंगे, विशेष रूप से खीर पूरी का भोग बनाया जाता है, तो वो बना करके थोड़ा से धूप के ऊपर आप अग्नि में इसे थोड़ा सा डालिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का जप कीजिए। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो तर्पण और पिंडदान आप कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। 27 अगस्त भादो माह की अमावस्या है, शनिवार का दिन। और जो लोग भी रानी सती दादी को जानते हैं तो भादी अमावस्या का दिन है, भादी मावस दादी का दिन है, तो बोलिए रानी सती दादी की जय। आप सभी आज के दिन मंगल पाठ आदि भी अवश्य करें। दोस्तों, शनि अमावस्या है और 26 अगस्त को दोपहर को करीब 12:24 से प्रारंभ हो गई है। 27 अगस्त को यानी आज को दोपहर को 1:47 तक रहने वाली है। और अमावस्या और शनिवार का बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ऐसे में 14 साल बाद इतने अद्भुत संयोग बने हैं, खासकर शिव योग आया है और
30 अगस्त 2008 में पहले ऐसा संयोग बना था। इस दिन सुबह से लेकर के 28 अगस्त को 2:07 तक ये योग रहने वाला है। तो आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं अवश्य करें, और शिवलिंग की पूजा अगर पॉसिबल है तो इस दौरान आपको अवश्य करनी चाहिए। आपके सभी प्रकार के, चाहे शनि दोष हो, नवग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार का कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो, इनसे शांति मिलती है। जो लोग भी घर पर पूजा करना चाहते हैं तो घर पे शनिदेव की मूर्ति नहीं रखी जाती है, तो या तो आप शनिदेव की मूर्ति ला करके आज पूजन करके उसे विसर्जित कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी की पूजा आप घर के जो ईशान कोने यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उधर ईशान कोन की ओर मुख करके आपको शनिदेव का पूजन करना चाहिए। दिशा आपकी पश्चिम होनी चाहिए, मुख आपका ईशान होना चाहिए और शनिदेव या हनुमान जी का चित्र स्थापित करके सरसों के तेल का दिया जलाइए। धूप आज के दिन लो बाण की धूप आपको जलानी चाहिए। लो बाण की धूप घर में जला करके बाद में पूजा कंप्लीट होने के बाद उसे गेट के बाहर रख देनी है। नीले फूलों से आप आज हनुमान जी का या शनि देव का श्रृंगार करें। बेलपत्र हो तो बेलपत्र चढ़ाइए, पीपल के पत्ते हो तो पीपल के पत्ते चढ़ाइए, काजल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए और उड़द की खिचड़ी का भोग बना करके आपको भोग लगाना चाहिए। और शम शनिश्चराय कर्म कृते नमः, क्या बोलेंगे, शम शनिश्चराय कर्म कृते नमः, इस मंत्र की 108 माला का जप काले हकीकी माला से या रुद्राक्ष की माला से आपको करना चाहिए। इसके बाद भोग आपको काली गाय में को दे देनी है। जिन लोगों के पास माला नहीं है क्या करेंगे, काले उड़द की दाल, काले उड़द की जो साबुत उड़द होती है काली वाली, उसके 108 दाने गिन करके रख लीजिए, उससे आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। बाद में वो आप या तो भिगो करके गाय को खिला सकते हैं या आप अपने भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच दशा में है तो आज के दिन आपको सरसों के तेल का उपाय अवश्य करना चाहिए। स्पेशली आप आज के दिन अपने सिर पर आपको सरसों का तेल लगाना चाहिए, इससे शनि उच्च दशा में परिवर्तित होते हैं। खासकर यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष हो या शनि दोष हो तो शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे मंगल दोष और शनि दोष दूर होते हैं। और या फिर एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और अपने इष्ट का नाम लेते हुए उसे अपने सिर से 8 बार घुमा लीजिए और फिर उसमें अपना चेहरा देख लीजिए और फिर उसे गेट के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से भी सभी दोषों का नाश होता है। आज के दिन तीर्थों में स्नान कर सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो घर पर ही सरसों के तेल की मालिश करके, सरसों के तेल का उबटन लगा करके आपको स्नान करना चाहिए और शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। शनि मंदिर जा सकते हैं तो शनि मंदिर जाइए, उनका सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए, शनिदेव का काला तिल हुआ, धूप दीप गंध आदि अर्पित करें और वे आपसे, ऐसा करने से वो आपसे प्रसन्न होंगे। गर्म गर्म इमरती का भोग लगाइए, आप आज के दिन शनिदेव को इमरती का भोग लगाइए, काले उड़द की खिचड़ी बना करके लेके जाइए, उसका दान कीजिए। काले रंग की चीज़ें, छाता आदि हुआ, बारिश का मौसम है छाते का दान करें, काले छाते का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, आपके कष्टों को दूर करते हैं। आज के दिन आप अगर आप 7.5 से गुजर रहे हैं, ढैया हो, शनि दोष से पीड़ित हो, तो पूजा के समय शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शनि चालीसा भी है, आप चाहे तो उसका पाठ कर सकते हैं और शनि देव के दर्शन और पूजन अवश्य करिए, आपके दुख जरूर दूर होंगे। खास शिव योग में तिथि आई है तो आज के दिन तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, 14 बूंदें सरसों के तेल की डालिए और उस जल से शिवलिंग पर आप अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम, ओम नमः शिवाय, इस मंत्रों से जप करते हुए आप अभिषेक कीजिए। आप देखेंगे आपके सभी प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक तंगी है तो वो भी आपके जीवन से दूर होगी। ये सभी पूजा आपको शाम के वक्त करनी है, प्रदोष काल में करें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों आज के दिन छाया दान मैंने बताया, सभी को अवश्य करना चाहिए। छाया दान कैसे किया जाता है, पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। किसी बर्तन में, विशेष रूप से कांसे के या स्टील के बर्तन में लिया जाता है सरसों का तेल, पर नहीं हो तो नॉर्मल एक स्टील की कटोरी जो आपके घर पे है उसमें ले लीजिए सरसों का तेल और एक कॉइन डाल लीजिए। अब आपको इसमें अपनी परछाई देखनी है और फिर किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना है। अगर आपके घर पे डाकोत आते हैं तो डाकोत को दान कर सकते हैं, या फिर अपने घर के बाहर किसी ईंट पे आप ये तेल चढ़ा सकते हैं, या शनि मंदिर में जा करके आप इसे चढ़ा सकते हैं, या फिर किसी गरीब को दान कीजिए।
इस प्रकार से छाया दान करना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप पूरे परिवार के लिए छायादान कैसे करें, तो एक ही कटोरी में जो आपने सरसों के तेल लिया है इसी में सभी लोग अपनी अपनी छाया देख करके एक साथ दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अलग अलग, आपकी इच्छा हो तो अलग अलग करके फिर सारे तेल को एक साथ मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप इसका दान कर सकते हैं, और या फिर आपको ऐसे ही सभी लोग एक ही कटोरी में छाया देख कर दान कर सकते हैं। आज के दिन अगर कोई ना मिले तो आप पीपल का पेड़ है आसपास, तो पीपल के पेड़ पे भी आप इस तेल को चढ़ा सकते हैं। आज की शाम आपको पीपल के पेड़ के सामने सरसों के तेल का दीपक अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुबह नहा धो करके जल चढ़ाइए और उसके बाद उस पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, और अगर कोई मंदिर में लगा हुआ पीपल का पेड़ है तो इसके पास विशेष रूप से आपको दीपक जलाना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। दोस्तों, सरसों के तेल का उपाय ऐसा एक उपाय है जो अगर आपकी कुंडली में शनि देव पीड़ा दे रहे हैं या कोई ऐसी समस्या आ गई है आपके जीवन में जिसका समाधान नहीं हो रहा है, तो सरसों के तेल का उपाय जो बता रही हूँ इसको करिए पूर्ण विश्वास के साथ करिए। बहुत ही साधारण सा उपाय है लेकिन इसका प्रभाव ऐसा अचूक होता है कि आपको स्वयं आप इसको करके अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सूर्यास्त के समय किसी भी मंदिर में कोई पीपल का पेड़ है वहाँ जा करके आपकी जो भी परेशानी है वो पीपल के पेड़ के कानों में आपको बोलनी है, और उसके बाद वहाँ से कोई भी नीचे गिरा हुआ पत्ता है, कोई भी पत्ता गिरा हुआ है तो उस पर शम लिखना है आपको। शम, श के ऊपर बिंदी है ना, श के ऊपर बिंदी लगा करके शम लिखना है, और उसके बाद उस पर थोड़ा सा गुड़ रखना है, काले तिल रखने हैं। इसके बाद उस पीपल के पेड़ पे वहीं पे रख देना है अपनी मनोकामना या अपनी परेशानी को बोलते हुए, और एक सरसों के तेल का दीपक आपको वहाँ जला देना है, और इसके बाद आप अपने घर पीछे मुड़ करके आ जाइए बिना किसी से रास्ते में बातचीत के, बिना कुछ बोले, कोई टोका टाकी ना करे, इस बात का ध्यान कर लें। दोस्तों, अचूक उपाय है सरसों के तेल का, जितना बताऊंगी उतना कम है। आप आज के दिन में जो भी भोजन बनाते हैं वो सरसों के तेल में भोजन बनाइए। काले चने की सब्जी विशेष रूप से बना सकते हैं, उसमें सरसों के तेल में छौंक के बनाइए, पुए हो, पकौड़ियाँ हो, आज के दिन में मीठी पकौड़ियाँ, गुड़ की पकौड़ियाँ सरसों के तेल में बनाइए, क्या किसी कुत्ते को, जानवर को खिलाइए, किन्हीं गरीबों को दान दीजिए, और स्वयं भी परिवार सहित आपको ये खाना चाहिए। और अगर मंदिर जा सकते हैं कोई भी शनि मंदिर आदि, तो वहाँ जाकर सरसों का तेल अवश्य अर्पित कीजिए, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, शनि देव के आगे काली उड़द की दाल चढ़ाइए, और काली उड़द की दाल से ही बने हुए प्रसाद, खिचड़ी आदि बनाकर वहाँ पे आप शनि मंदिर में खड़े होकर के वितरित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शनि अमावस्या पर विशेष रूप से आपके जीवन से कठिनाइयां हटे, तो मैं अक्सर बहुत सारे उपाय बताते आई हूं कि आज के दिन आप काले कपड़े में फिटकरी बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लटका सकते हैं, ये बहुत अचूक उपाय होता है। थोड़े से काले कपड़े में फिटकरी पीस करके आप अपने पावदान के नीचे रख सकते हैं। सभी परिवार वालों को आज के दिन काला धागा ज़रूर बांधना चाहिए, जो लड़कियां हैं वो लेफ्ट पाँव में बांधेंगी, जो बॉयज़ हैं वो राइट पाँव में बांधेंगे। इस प्रकार से काले धागे में चाहे तो 8 गांठें लगा करके, अगर शनि दोष से पीड़ित हैं तो 8 गांठें लगा करके इसे आप पहने, और अगर ऐसे नॉर्मली पहनना चाहते हैं नज़र बाधा वगैरह के लिए तो 7 गांठें लगा करके भी आप इसे पहन सकते हैं। और आज के दिन थोड़ा सा गुड़ और काली उड़द की दाल एक कपड़े में बांध लीजिए, रात के समय अपने तकिए के पास रख लीजिए, और सुबह पहले कल उठ करके सभी चीज़ों को किसी शनि मंदिर या किसी गरीब को दान कीजिए। शनि की 7.5 साथी हो, धैया हो, कोई भी परेशानी हो वो आपकी तुरंत कम हो जाती है। कभी भी घर के दरवाज़ों से विशेष रूप से आपकी आवाज़ आती है कर्कश ध्वनि, तो वो नहीं आने देना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो सरसों का तेल डालिए तो ये अच्छा होता है, साथ ही साथ राहु का प्रभाव कम होता है, क्योंकि जिस घर में मुख्य द्वार से की की आवाज़ें आती है, ये आवाज़ होता है दरवाज़ा खुलते और बंद होते टाइम, तो ये आपके घर में ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ये आपके जीवन में अवरोध पैदा करेगा। इसलिए आज के दिन अपने घर के मेन गेट को पूरी अच्छे से साफ कर लीजिए, शाम से पहले करना है ये उपाय। शाम के समय आपको ये उपाय करना है तो पहले आप शाम से पहले ही गेट वेट को साफ कर लीजिए, इसके बाद गंगा जल छिड़किए, फिर दोनों दरवाजे में आपको 8-8 बूंदें सरसों के तेल की डालनी है,
और इसके बाद एक एक चुटकी सिंदूर डालना है दोनों कोनों पर, और वहीं पर सरसों के तेल के दिए दोनों साइड में आपको जला देना है। दिए की बाती आप लाल रंग की यूज़ कर सकते हैं, रुई की बाती ना यूज़ करें, कलावे की बाती यूज़ करें या काले धागे की बाती बना ले। और उसके बाद उसकी जो दीपक की बाती की दिशा है वो पश्चिम दिशा होनी चाहिए, यानी वेस्ट दिशा होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से शनि दोष दूर होगा। आपके घर में कोई भी लोगों के अगर शनि देव बुरे प्रभाव दे रहे होंगे तो वो सब कष्ट दूर होंगे, काम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। सरसों के तेल में बनी हुई सब्जियां आज के दिन मजदूरों को, विशेष रूप से बैंगन का उपाय मैंने बताया था राहु की दशा के लिए, तो दूसरे वीडियो में बताया हुआ है पहले, तो डेट्स अगर उसमें हैं दूसरी तारीख के तो वो हटा दीजिए, बाकी का वीडियो आप सुन सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक आपको दे दूंगी। तो बैंगन का उपाय कर सकते हैं, बैंगन की सब्जी बना करके सरसों के तेल में आज के दिन आप लोगों को दान करिए, इससे व्यापार में सफलता मिलती है। कोलीग्स को आप खिला सकते हैं, इससे आपके ऑफिस में आपको सहयोग मिलता है। और गुड़ की रोटी आज के दिन सरसों के तेल से चुपड़ करके आपको काले कुत्ते को खिलानी चाहिए। दोस्तों, जीवों की सेवा करने वाले को हमेशा शनि देव का साथ मिलता है, चाहे आप काले कौवे को खिलाइए, भोजन दीजिए, इससे भी पितर दोष दूर होता है, शनि देव आपसे प्रसन्न होते हैं। और घर में अगर आर्थिक समस्या है तो धन की आवक शुरू हो जाती है। आकस्मिक अगर जीवन में परेशानियां आती है, समस्याएं आती है, शनि हो राहु की पीड़ा हो तो वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ कुछ करें ना करें बजरंग बली का दर्शन आज के दिन आप कर सकते हैं। बजरंग बली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू आप चढ़ाइए, शनिदेव चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को आप। और कुछ ना कर सके तो घर में ही रात में 8 बजे के बाद आपको एक उपाय करना है, हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, सरसों के तेल का दिया जला लीजिए और एक सुंदरकांड का पाठ कीजिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। हनुमान जी को चाहे तो फूल माला प्रसाद आदि चढ़ाइए, नहीं तो सिर्फ गुड़ चना भोग रख करके आपको ये उपाय करना है। आप देखेंगे आपके शनि देव का ही नहीं अन्य सभी ग्रहों का भी बुरा असर तुरंत खत्म हो जाएगा। दोस्तों, शनिवार की शाम है, जितने उपाय बोलूं कम है, और शनिवार भी छोड़ दीजिए, शनि अमावस्या की शाम है, तो जितने भी उपाय होते हैं सब चमत्कारी होते हैं अपने आप में। आप चाहें तो एक छोटे से गट का भी उपाय कर सकते हैं, वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और कुछ करें ना करें सभी लोग आज के दिन हाथ जोड़ करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिन है, अपने मन को आज के दिन शांत रखें। तामसी चीज़ों में, चाहे भोजन हो चाहे व्यवहार हो, तामसी ना तो व्यवहार करें ना ही भोजन करें, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज का दिन व्यतीत कीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का नशा, जुआ, शराब आदि बिल्कुल ना पिए आज के दिन, बहुत बहुत पाप लगेगा, दुर्घटना योग बनते हैं, इसलिए प्लीज़ मत कीजिए। और यात्रा करनी हो तो ना के बराबर करें, बहुत ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें आप आज के दिन। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, छोटे छोटे उपाय बताने की कोशिश की है मैंने, और जिन लोगों ने पहले से फिटकरी बांधा हुआ है वो आज के दिन बदल सकते हैं, जिन लोगों ने पैरों में काला धागा बांधा हुआ है वो आज के दिन बदल सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आज के दिन सच्चे दिल से शनि देव से कामना करते हुए कि हे शनिदेव मेरे जीवन के कष्टों को दूर करो, हे शनिदेव मेरे जीवन के कष्टों को दूर करो, मेरे समस्त परिवार की रक्षा करो, इस प्रकार से कामना करते हुए दिन को व्यतीत करिए। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ कम हो जाएगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से उपायों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की, जय शनिदेव की, जय हनुमान जी महाराज की।